हेलो व्यूअर्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मसाला मशरूम सब्जी की रेसिपी। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है मशरूम, और मैंने इसे सबसे पहले अच्छे से पानी से धो लिया है, गुनगुने पानी से। और अच्छे से इसे धोने के बाद अब मैं चलूँगी इसे काटने की तरफ। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा काट सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा पतला पतला काटूंगी ताकि ये ज़्यादा टाइम ना ले पकने में और जल्दी बन जाए। आप अपने अकॉर्डिंग इसे ज़्यादा बड़ा छोटा मोटा पतला काट सकते हैं। सारे मशरूम को इसी तरीके से काट लेंगे और अब चलेंगे हम इसकी सब्ज़ी बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, जीरा, और यहाँ पर कुछ खड़े मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। और मैं तेज पत्ता डालना भूल गई थी, बट आप ज़रूर डाल लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है बारीक कटे हुए प्याज। इन सबको डाल के हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। प्याज को हल्का सा हम भून लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सबको डाल के भी हम अच्छे से इसे चलाएंगे। फिर से प्याज को हम भून लेंगे इसके साथ ही, और जब हमारा प्याज अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हमारे सारे मसाले। मसालों में वही मसाला हम डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, और यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सबको डाल के हम गैस का फ्लेम लो करके इसे अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से थोड़ा सा पक जाए। तो अब पानी डाल के इसे अच्छे से चला देंगे, हम इसे छोड़ देंगे थोड़े देर के लिए पकने के लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज़ के टमाटर काट के डाले हैं, और अब इन सबको भी अच्छे से हम इस तरीके से चला देंगे। और अब हम इसे ढक के पकाएंगे ताकि जो हमारा टमाटर है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। जब हमारा टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ़्ट हो जाएगा तब हम मैंने इसमें डाला है काजू का पेस्ट। इससे इसे बहुत क्रीमी कंसिस्टेंसी मिलेगी और हमारा जो मशरूम का ग्रेवी है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। इस तरीके से सारे मसालों को पका लेंगे, और अब मैं यहाँ पर डालूंगी सारे कटे हुए मशरूम। इन्हें अच्छी तरीके से इस मसाले में हम कोट करेंगे, बढ़िया तरीके से चलाएंगे ताकि जो सारा मसाला है वो इसमें अच्छे से मिल जाए। और अब हम इसे ढक के पकाएंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि जो सारा मसाला है वो अच्छे से मशरूम में एब्जॉर्ब हो जाए, एक अच्छा सा फ्लेवर निकल जाए। तो अब हम इसे ढक देंगे और छोड़ देंगे पकने के लिए। तो यहाँ पर 5 मिनट से हो चुके हैं और हमारा जो मशरूम का कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और हमारा मशरूम जो है वो बढ़िया तरीका से पक भी चुका है। तो आप देख सकते हैं, अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पर डालूँगी गरम मसाला भी डाल के हम इसे अच्छे से इसमें मिला देंगे। आप इस स्टेज पे चाहें तो नमक चेक करके ऐड कर सकते हैं। नमक बिल्कुल हमारा ठीक है। मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ आधा ग्लास पानी, ताकि जो हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो और ज़्यादा हो पाए। और अब मैं पानी डाल के इसे और 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी ढक कर। तो यहाँ पर जो हमारा मशरूम मसाला का सब्ज़ी है वो बिल्कुल ही बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं, काफ़ी ही ज़्यादा क्रीमी और अच्छा टेक्सचर आया है ग्रेवी का। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अब इसे सर्व करने की तरफ। तो आप इसे चाहें तो रोटी या चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, ये काफ़ी ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।